नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की सुबह सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बूंदी में सोमवार को किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे किसान अपने घरों के लिए लौटते समय हादसे के शिकार हो गए। किसानों से भरी हुई ट्रॉली अचानक पलट गई, हादसे में कई किसान घायल हो गए। घटना की जानकारी पर आसपास के लोगों ने किसानों को बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 17 किसान इस हादसे से घायल हो गए। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, वैश्विक महामारी COVID-19 के आर्थिक प्रभावों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निविदा के माध्यम से संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिभूतियों से संबंधित छूट देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम RTPP 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में संशोधन के बाद नियम 12 के तहत बोलीदाता की ओर से बोली प्रतिभूति के स्थान पर अब केवल बोली प्रतिभूति घोषणा देई होगी। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न स्तरों पर लंबित विचाराधीन और निर्णायक मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर शास्ती एवं ब्याज में छूट के लिए विशेष राहत योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी होगी। आपको जानकारी दे दे, सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण संभव होगा और न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी कमी आएगी। साथ ही में आम जन को स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज में छूट से राहत मिलेगी। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप को लेकर सोमवार को भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगारों से मीणा की मुलाकात के बाद जवाहर सर्किल के पीछे सिद्धार्थ नगर मैदान में धरने पर बैठ गए और आंदोलन की चेतावनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद उत्तरी हवाओं के असर से राजस्थान में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया, यहां सीजन की सबसे ठंडी रात रही। आपको बता दें, इस दौरान पेड़ पौधों के पत्तों, खुले मैदानों के जलाशयों के किनारों पर बर्फ जम गई। वहीं रात को खुले में खड़े वाहनों की छतों पर भी बर्फ की परत देखी गई। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। दोनों की महज 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, यानी कि 30 नवंबर को शादी हुई थी। हादसा चंदवाजी इलाके में ताला मोड़ के पास हुआ है। यहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक से जा रहे नव दंपति को टक्कर मार दी। इस दौरान हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही दोनों की सांसें टूट गई है। महेश कुमार, जिनकी उम्र 22 साल है, और उनकी पत्नी संजना, इनकी उम्र 20 साल है, इन दोनों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दे, महेश 7 बहनों में इकलौता भाई था। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, नव चयनित चिकित्सकों की तरफ से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लिखे गए एक पत्र के बाद सोमवार को सांसद बेनीवाल ने गहलोत सरकार से 2000 चिकित्सकों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में नव चयनित चिकित्सकों के पत्र के साथ ट्वीट कर लिखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा इस पर जल्द संज्ञान लेकर चिकित्सकों की नियुक्ति करें, ताकि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सके। तो ये थी प्रदेश की आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। बाकी तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।